आज हम जो शुरुआत करें जिस चैप्टर की, वो चैप्टर थीम 3, किंगशिप कास्ट एंड क्लास। ये जो चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से वेल कनेक्टेड है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर हमने 600 BCE से लेकर 600 CE तक की बात की थी, यानी 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी तक की बात की थी। पूरे 1000 साल की हिस्ट्री को हमने वहां पर डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 में जो 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री थी वो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, और चैप्टर नंबर 3 की जिस जो बात कर रहे हैं वो हमारी सोशल हिस्ट्री है, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बात की थी इंडिया की। तो देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो चैप्टर 2 से ये चैप्टर 3 इस प्रकार कनेक्टेड है कि जैसे ही पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत हुई और नई नई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत हुई तो सोसाइटी के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आए, और उन्हीं चेंजेस के कारण सोसाइटी किस प्रकार से चेंज हुई इन इन 1000 ईयर्स के दौरान, इन 1000 सालों के दौरान। जो 1000 साल का पीरियड है वो 600 BCE से लेकर 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच हमारी सोसाइटी में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए, उनको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 में हमने बात की थी कि पहली बार जन से जनपद, जनपद से महाजनपद की शुरुआत हुई, और महाजनपद में मगध एम्पायर वो सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बना, और उसका रीजन हमने वहां पे दिया था कि मगध एम्पायर की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो बहुत ही सुटेबल थी किसी भी एम्पायर को स्टेब्लिश करने के लिए। और उसी में हमने बात की थी कि यही वो समय था जब पहली बार एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन हुआ। तो देखिए, बार बार जब भी आप बात करोगे एग्रीकल्चर का, जैसे ही एक्सपेंशन होगा, जैसे ही कृषि का विस्तार होगा, तो एग्रीकल्चर का जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, गाँव सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, यानी कि उससे पहले गांव में जितना प्रोडक्शन हो रहा था अब प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही किसी गांव में सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि गांव की टेरिटरी के आसपास एक शहर की स्थापना होने लगती है। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि वहां पर महाजनपद में 16 महाजनपद हम देख रहे थे, और उन्हीं 16 महाजनपद की 16 कैपिटल्स थी, और साथ ही कई अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग टाउन का भी उस समय स्टेब्लिशमेंट हम देख रहे हैं। और ट्रेडिंग टाउन के साथ साथ तो कई प्रकार के पोर्ट सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कई प्रकार के रिलीजियस सेंटर्स वहां पर डेवलप हुए। तो ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय फ्लरिश कंडीशन में थी, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय इतना सरप्लस प्रोडक्शन कर रही थी कि सिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके। तो इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजमेंट आए होंगे, क्योंकि लोग गांव से, कुछ लोग गांव से शहरों की तरफ आए होंगे, ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ा होगा, तो ट्रेडर्स के नाम से एक नई कम्युनिटी डेवलप हुई होगी। इसी प्रकार से यदि हम कुछ चीजों की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन हुआ तो एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन किया गया, तो यानी कि जो कॉमन सोसाइटी में रहने वाले लोग थे अब उनका जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके साथ कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट बना होगा, तो उसी फॉरेस्ट सोसाइटी में जो पुराने बिलीफ चले आ रहे होंगे उनकी जो सोसाइटी हुई होगी उस सोसाइटी को कॉमन पीपल्स ने इम्पैक्ट किया होगा। साथ ही जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी सोसाइटी का इम्पैक्ट कॉमन पीपल्स के ऊपर भी पड़ा होगा। तो ये कुछ सोशल चेंजेस हमें इन 1000 ईयर्स के दौरान देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में सिंपल सा है कि इन सोशल चेंजेस को जानने के लिए पहली बार हिस्टोरियंस के द्वारा टेक्सुअल जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको यूज किया गया है। टेक्सुअल ट्रेडिशंस का मतलब है कि हिस्टोरियंस के द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, उनको यूटिलाइज किया गया है। और इन 1000 ईयर्स की हिस्ट्री के जो मेन बुक जिसको यूटिलाइज किया है यहाँ पर, एक महाभारत और साथ में उसमें के जो हमारे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हैं उनकी रचनाओं की हेल्प से एक चैप्टर को तैयार किया गया है। अब जो महाभारत है, महाभारत की रचना मानी जाती है कि आज का जो महाभारत हमारे सामने है वो उस महाभारत की कहानियां भी लगभग 1000 सालों के दौरान बार बार लिखी गई हैं। उनमें कई कई नई प्रकार की कहानियों को जोड़ा गया है, पुरानी चीजों को छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से तो इसकी कहानी यदि महाभारत को आप देखोगे तो महाभारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में महाभारत के अलग अलग वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं वर्जन में से कितनी सच्चाइयां हैं, उनमें से कौन सी कहानियां बाद में जोड़ी गई हैं, कौन सी कहानियां वो रियल हैं। तो महाभारत एक एपी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो उसको क्या एक टेक्स्ट, एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा सवाल हिस्टोरियंस के सामने है कि महाभारत में जो बातें कही गई हैं क्या वो पूरी की पूरी सच्चाई से हैं या सच्चाई से परे हैं, या उनमें से किन किन बातों को हम सच मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस के द्वारा एक चैप्टर तैयार किया गया है कि उस समय का पूरे 1000 साल का जो सोशल हिस्ट्री तैयार की गई है वो इन्हीं एपिक्स की सहायता से और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की हेल्प से की गई है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइव्स, कि जो 600 बीसी वाला जो चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने, तो चैप्टर 2 में हमने क्या चेंजेस देखे थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आ रहा था।
तो इन 1000 सालों में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंज हुआ, इस चेंज ने कहीं इंडियन सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट डाला होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया होगा। तो इसी भारतीय समाज की जो पूरी कहानी है वो हमें देखनी है। तो दिस चैप्टर डिस्कसेज इश्यूज इन द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द क्लास, कास्ट, किनशिप एंड जेंडर। तो इन चार चीजों को यहाँ डिस्कस किया है, क्लास यानी श्रेणियां जो कि समाज के इन चार वर्गों में डिवाइड था या समाज का वर्गीकरण कैसे हुआ था। एक नए प्रकार का सिस्टम हम देख रहे हैं सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, किनशिप, किनशिप की कहानी जो कौरव और पांडव वाली जो कहानी है, भाई भाई बहनों वाली कहानियां, और साथ ही जेंडर, मेल फीमेल में यानी मेल मेल्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए थे, फीमेल्स को किन किन राइट्स से वंचित रखा गया था, महिलाओं को सोसाइटी में कौन से अधिकार थे और कौन से अधिकार नहीं थे, मेल फीमेल के बीच में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन चार चीजों के ऊपर हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुए होंगे वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द हाउ टेक्सुअल ट्रेडिशंस हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री। साथ ही इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो टेक्सुअल ट्रेडिशंस हैं, जो लिखित काव्य हैं, लिखित जो परंपराएं हैं, उनका यूज करते हुए हिस्टोरियंस ने किस प्रकार से सामाजिक इतिहास की रचना की है। अब एक टेक्सुअल ट्रेडिशंस होते क्या है, हिस्टोरियंस यूज द टेक्सुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द पॉलिटी एंड द इकोनॉमी। तो जो इतिहासकार उन इतिहासकारों ने पुराने जो टेक्सुअल ट्रेडिशन है उनकी सहायता से समाज की राजनीति, समाज की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझने की कोशिश की है। तो उसमें चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से जैनिज्म और बौद्धिज्म में महाजनपदों का नाम आया है, और उसी में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कहानियों में किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी आई है, राजा के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, राजा को कौन कौन सी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए, वो सारे हम जातक कथाओं में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो पुराने टेक्स्ट हैं, जो पुराने टेक्सुअल ट्रेडिशन है, वो हमारे आज के इतिहास को, उस समय के इतिहास को समझने में आज के इतिहासकारों की सहायता करते हैं। सम टेक्स्ट लेट डाउन नॉर्म्स ऑफ द सोशल बिहेवियर। तो ये कुछ टेक्स्ट में हम, कुछ काव्य में हम देखते हैं कि उसी समय के समाज के बारे में, समाज में किस प्रकार का बिहेवियर, जो सामान्य बिहेवियर समाज में रहने वाले लोगों का था, उनको किन किन नियमों का पालन करना होता था, इस प्रकार की जानकारी भी हमें मिलती है। अदर डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड द प्रैक्टिसेस। साथ ही कई बार इस प्रकार के जो टेक्सुअल ट्रेडिशन है उनमें अलग अलग जगह पे हमें लोगों की सोशल स्टेटस क्या है, लोगों की सोशल सिचुएशन कैसी थी, वो किस प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स को वो मानते थे, इसके बारे में भी जानकारी हमारे पास सामने आती है। वी कैन कैच ए ग्लिम्पसेस ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखित जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते हैं, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था कि अशोक के द्वारा शिलाओं के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे, ठीक है। तो इन इंस्क्रिप्शन में हमें कुछ सोशल एक्टर्स की भी जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसको धर्म महामात्य का नाम दिया गया था। तो ये जानकारी अशोक के हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो इसी प्रकार सोसाइटी में उस समय के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें कई सारे सोशल एक्टर्स की पता चलता है। जैसे मंदसौर में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय के जो जो ट्रेडर्स होते थे उन ट्रेडर्स के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने के लिए डोनेशन दिया गया था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस समय के ट्रेडर्स हैं वो मंदिर वगैरह के डोनेशन का भी काम करते थे। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन में हमें इन छोटी छोटी जानकारियां हमें मिल जाती हैं जो कि टेक्सुअल ट्रेडिशन में इंक्लूड होती है। ईच टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज। लेकिन इन जितने भी टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन है इनको यूज करते समय बीइंग एज हिस्टोरियन, एक इतिहास के छात्र के रूप में या एक इतिहासकार के रूप में, जब भी हम इस प्रकार के टेक्स्ट को अपने सोर्स के रूप में यूज करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ये इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट को लिखा गया था तो उसको लिखने वाले की का पर्सपेक्टिव क्या था। देखिए कोई भी चीज लिखी जाती है तो हर व्यक्ति का अपना एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, उसकी अपनी एक सोच रही होगी, उसकी अपनी एक थिंकिंग रही होगी। तो उस थॉट प्रोसेस को भी हमें ध्यान में रखना है कि उन लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी और उसी के अकॉर्डिंग हमें इनको अपने सोर्स के रूप में यूटिलाइज करना चाहिए। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड इट एंड फॉर हुम। तो इसलिए उस थॉट प्रोसेस को समझने के लिए हमें हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखनी चाहिए कि इस प्रकार के जो टेक्स्ट है या इंस्क्रिप्शन है उनको किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था। जैसे प्रशस्ति की बात की थी हमने चैप्टर नंबर 2 में कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। तो हरिसेन था वो उसका दरबारी था, तो उस दरबारी जो कोर्टियर पोइट होता है उसके द्वारा जब अपने सम्राट के लिए कोई प्रशस्ति लिखी जाएगी तो उसमें वो अपने सम्राट की प्रशंसा ही करेगा ना।
तो इस प्रकार के जब टेक्स्ट को हम यूज करें तो हमें देखना चाहिए कि वो टेक्स्ट किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड वे इन विच सर्कुलेटेड। साथ ही इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है तो हम मान सकते हैं कि वो राजा के द्वारा लिखवाया गया होगा, दरबारी उच्च एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा। यदि वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है या यदि वो आपकी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है तो उसके बारे में हम मान सकते हैं कि इस प्रकार के जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शन कॉमन पीपल के लिखवाए गए होंगे, क्योंकि जो प्राकृत लैंग्वेज है वो उस समय जन सामान्य की भाषा थी। तो इंस्क्रिप्शन या टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को यूज करते समय हम इन कॉमन फीचर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सवाल यदि ऐसे भी आता है कि यू कैन राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, तो ये सारे पॉइंट आउट आप उसमें डाल सकते हो कि इतिहासकार के रूप में टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को यूज करते समय विच थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड, तो भी इसका आंसर यही होगा। या टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के लिमिटेशंस क्या है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में यूज करने के लिए, तो भी इसका आंसर यही होगा। या फिर सवाल ये पूछा जाए कि विच थिंग्स शुड वी कीप इन माइंड यूजिंग द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो भी इसका आंसर ये पॉइंट्स होंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने जो सेंट्रल स्टोरी महाभारत की तरफ। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत, महाभारत जो हमारे एपिक है उसकी केंद्रीय कथा क्या, सभी ने महाभारत की कहानी सुनी होगी। द कोलोसल एपिक यानी कि महाभारत एक बहुत ही विशाल महाकाव्य है। ए वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस, जो कि अलग अलग प्रकार के समाज के अंदर जो श्रेणियां थी उनकी व्याख्या हमारे सामने देता है, साथ ही अलग अलग प्रकार के जो सिचुएशन आती हैं उनके बारे में हमें बताता है। दी महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेंट्स विविड डिस्क्रिप्शन, दूसरे महाकाव्यों की तरह इसमें बहुत सारे बैटल्स युद्धों के डिस्क्रिप्शन हैं, फॉरेस्ट पैलेसेज राजमहल सेटलमेंट्स के डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आते हैं। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत इज अबाउट द टू सेट ऑफ वारिंग कजन्स, महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है जो केंद्रीय कहानी है वो है दो जो कजन्स हैं, दो जो कजन ग्रुप्स हैं, एक कौरव और दूसरे पांडव, उनके बीच में जो युद्ध है उनके बीच की जो लड़ाई है वो इसकी सेंट्रल थीम है। इट डिस्क्राइब्स ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर, जमीन और संसाधनों को लेकर जो इनके बीच में एक युद्ध होता है ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें। दीज वर द कौरव एंड द पांडव हु बिलोंग टू द सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ द कुरु, कुरु उनके वंश का नाम था कौरव और पांडवों का, जो कि कुरु वंश से संबंध रखते थे। ए लाइनेज डोमिनेटिंग ओवर द वन ऑफ द जनपदास, जो कि उस समय का एक प्रसिद्ध जनपद था जिसके ऊपर वो लोग शासन करते थे। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल इन विच द पांडवास एम्ब्रेज विक्टोरियस, इनके बीच में कौरव और पांडवों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इसका अंत एक युद्ध से होता है। युद्ध आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था जिसमें कि पांडवों की विजय होती है। After that, इस विजय के बाद the paternal succession was proclaimed, कि पितृ सत्तात्मक जो राज्य सत्ता थी उसको प्रोक्लेम किया गया था इस कहानी के बाद, इस युद्ध के बाद। अब पितृ सत्तात्मक प्रोक्लेम कैसे हुआ, तो इसका सिंपल सा यदि पूरी महाभारत की कहानी आपको पता हो तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र से पहले जो महाभारत में ये दो होते हैं, एक धृतराष्ट्र और पांडव। धृतराष्ट्र थे वो बड़े पुत्र थे और पांडु थे वो छोटे पुत्र थे, लेकिन उस समय धर्मशास्त्रों में ये था कि राजा को अपंग नहीं होना चाहिए, तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे तो इसलिए उनको उस समय सम्राट नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि उनकी जगह पर उनके छोटे भाई पांडु को सम्राट नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से पांडु संन्यास लेकर वन में चले जाते हैं और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद राजकुमार होते हैं वो सभी छोटे होते हैं, क्योंकि पांडु के जो पांच पुत्र थे वो बहुत आयु में बहुत ही छोटे थे, इसलिए जो नया सम्राट है वो धृतराष्ट्र को नियुक्त किया जाता है और उन्हें राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक राजकुमार हैं वो बड़े नहीं हो जाते हैं। लेकिन उस समय तक धृतराष्ट्र जो कि कौरव जिनसे कौरवों का जन्म हुआ उनके 100 पुत्र थे, तो कौरव ये डिमांड करते हैं कि अब धृतराष्ट्र जब राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन पांडव ये डिमांड करते हैं कि ये राज्य तो उनके पिता का है, धृतराष्ट्र तो केवल उसके पालन करता है तो इसलिए राज्य उनका होना चाहिए। तो इसी टसल को लेकर उनके बीच में युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में और लास्ट में पांडवों की विजय होती है। अब ये वीएस सुकांतर कौन थे, वीएस ऑब्जेक्टिवली याद रखना, वीएस सुकांतर वाज़ ए संस्कृत स्कॉलर ऑफ इंडिया, वो भारत में संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ही अंडरटूक ए प्रोजेक्ट वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत एंड अपॉइंटेड ए टीम ऑफ वेरियस संस्कृत स्कॉलर्स। अब देखिए सुकांतर साहब ने मेन काम क्या किया कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि महाभारत लगभग 500 BC से लेकर 500 CE तक लिखा गया है,
यानी महाभारत की कहानी लगभग 1000 सालों तक चलती रही है। अब इन 1000 सालों में अलग अलग टाइप के स्कॉलर्स और राइटर्स ने इनमें नई नई बातों को जोड़ दिया। सोसाइटी में जो भी नई चीज आती है गई उनको उन्होंने इसमें एड ऑन शुरू कर दिया। साथ ही यदि हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें तो साउथ इंडिया में जो महाभारत की कहानियां मिलती हैं उनमें कुछ और कहानी बताई गई है, नॉर्थ इंडिया में महाभारत की कहानी अलग है, इंडोनेशिया जावा सुमात्रा की तरफ हम जाते हैं जो किसी समय सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे वहां पर जो महाभारत की कहानी प्रचलित है वो कुछ अलग है। जो हमारे पहाड़ी स्टेट जैसे हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में नेपाल के जो स्टेट्स हैं हिमालय के जो स्टेट्स हैं वहां पर जो महाभारत की कहानी है उस कहानी का अलग वर्जन है। तो सुखांतर साहब ने ये किया कि जो डिफरेंट उसमें जितने भी प्रचलित महाभारत के ग्रंथ थे उन सभी ग्रंथों को उन्होंने कलेक्ट किया और अलग अलग विद्वानों को अपॉइंट किया और उन विद्वानों ने ये काम किया कि इन डिफरेंट बुक्स में जो भी कॉमन था यानी जो भी कहानियां जो भी श्लोक कॉमन था उसको उन्होंने एक जगह पे कलेक्ट किया और उसको एक जगह कलेक्ट करने के बाद उन्होंने सिंपल सा ये किया कि एक मैनुस्क्रिप्ट तैयार की, एक ऐसी बुक तैयार की जिसमें कि कॉमन श्लोक से उनको एक जगह रखा गया और जो डिफरेंट जो अलग अलग वर्जन थे उनको अलग से कंपाइल किया गया जिससे कि महाभारत की एक ऐसी बुक तैयार हो पाई जिसमें कि सबसे कॉमन बातें हों पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। द टीम कलेक्टेड संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो विद्वानों का समूह था इसने संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट में लिखी हुई महाभारत की जो अलग अलग पार्ट्स में जो बुक्स थी उन सबको कलेक्ट किया। दे कंपेयर्ड द वर्सेस फ्रॉम ईच मैनुस्क्रिप्ट, उन्होंने हर मैनुस्क्रिप्ट के अंदर जो वर्सेस थी जो श्लोक थे उनको कंपेयर किया। फाइनली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स, और जब ज्यादातर वर्जन में जो सबसे कॉमन जो श्लोक थे उनको उन्होंने सिलेक्ट करते हुए एक बुक को तैयार किया। तो ये वी एस सुखांत का कॉन्ट्रीब्यूशन है। दे पब्लिश दीज वर्सेज इन सेवरल वॉल्यूम्स इन 13,000 pages, इन्होंने 13,000 पेजेस में इन सारे वर्सेज को पब्लिश किया। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी, एनर्मस रीजनल वेरिएशंस वर आल्सो फाउंड। संस्कृत से रिलेटेड जो एलिमेंट्स थे वो ज्यादातर कॉमन मिले लेकिन इसके रीजनल वेरिएशंस हमारे पास बहुत सारे हैं, क्षेत्रीय रूप से अलग अलग प्रकार के वर्जन्स भी हमें मिले हैं। द वेरिएशंस ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज थ्रू द डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड टियरलेंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज द कंसेंसस। तो महाभारत के जो अलग अलग वेरिएशंस हैं ये हमें बता रहे हैं कि उस समय की सोसाइटी है उस सोसाइटी में किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तैयार हो रही थी, यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही प्रकार की ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया जाता था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही प्रकार की प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही थी, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही प्रकार के रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रीजनल रूप से अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस थे और वही वेरिएशंस महाभारत के अलग अलग रीजनल स्टोरीज में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है या हम इसको सिंपल टर्म में समझे तो हम ये मान सकते हैं कि महाभारत के जितने भी रीजनल वेरिएशंस हैं रीजनल जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस ये प्रूव करते हैं कि उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग सोसाइटीज जो रीजनल सोसाइटीज थी उन सोसाइटीज में अलग अलग प्रकार की सोशल कॉम्प्लेक्सिटी थी और सोशल रिचुअल्स थे सोशल प्रैक्टिसेस थी। तो पूरी सोसाइटी एक तरीके से फॉलो नहीं हो रही थी बल्कि सब में अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा रहा था।